क्या मसला हुआ सर आपके घर में, अभी क्या चल रहा है? देखिए मैं यहाँ पे ऊपर बैठा था तो यहाँ पे ये नीचे मांगने आया था, तो मेरे को अपनी मतलब भाभी ने कहा, बीवी ने कहा कि एक मांगने आया, इसको हम कुछ दे देते। जब इन्होंने पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो मैंने यहाँ पे इसको अपनी वेरीफाई करने के लिए इसलिए किया ताकि, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, हम क्या सुरक्षित मतलब मान सकते हैं अपने आपको, क्योंकि मैंने इसको पहले ही वेरीफाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी एरिया है ना, तो हम खुद बेल्ट फोर्स के बंदे हैं, हम सुरक्षित नहीं मानते हैं क्योंकि हम डरते हैं। यहाँ पे सेफ एरिया है रामबन डिस्ट्रिक्ट, आज तक यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको सबसे पहले मैंने ये इसने मुझे दिखाया, ये लंगड़ा बन के था, बात नहीं कर रहा था, ये गूंगा था। इसने बोला कि ये मोहम्मद सलीम नाम है मेरा, मेरी एक बहन है, तो ये इसको मैंने चेक किया, मैंने बोला चलो दे देते हैं पैसा। लेकिन जब मैंने इसको नाम पूछा तो इसने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला आई कार्ड दिखाओ, इसने कुछ नहीं बोला। मैंने खुद चेक करके इसको सर्च किया, तो क्योंकि जब गजर कोटली में अगर कोई पूछ सकता है तो यहाँ भी कोई अटैक हो सकता है, क्या पता कौन हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम चेक किया, ये रजनीश था। तो बाप का नाम मोहम्मद मकबूल है, कोई सिकंदरपुर यूपी का, लेकिन शो कर रहा है कि अजमेर शरीफ, स्टैम्प भी है इस पे। तो मैंने जब देखा ये मतलब फेक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं क्या है, क्या पता ये रात को भी आएंगे यहाँ पे हमारे घरों में, औरतें अकेली रहती हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, ये किडनैप भी कर सकते हैं। आजकल हम वीडियोस पे देखते रहते हैं बाहर लोगों को किडनीज निकाल देते हैं, बच्चों को ये सारा कुछ कलेजी विलेजी निकाल देते हैं, आंखें निकाल देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह चेक किया, मैंने बोला मैंने डराया धमकाया, पुलिस को बुलाऊंगा, ये करूंगा, तो इसने सच बता दिया। तो आपके सामने ये लाइव है, ये अभी लंगड़ा भी नहीं है, बात भी कर रहा है, माफी भी मांग रहा है। तो ये हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने कहा डिजिटल इंडिया, घरों की सुरक्षित, औरतें महिलाओं की सुरक्षित, कहाँ पे ये महिला सुरक्षित है? कोई तो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, हमारे तो कोई सुरक्षित नहीं। क्या मसला हुआ, आप कहाँ से आए थे? आप कहाँ से आए? यूपी से आए बाबू जी। फिर क्या यहाँ मसला क्या हुआ आपको? ये सर्टिफिकेट किसने दिया आपको? ये तो उधर यूपी से, पता नहीं। आधार कार्ड कहाँ से बनाया आपने? यूपी से बनवाया बाबू जी। तो नाम क्या आपका? रजनीश से बाबू। रजनीश है? रजनीश। अच्छा अच्छा, सर्टिफिकेट कहाँ से बनाई? कौन सा? मांगने वाले, ये तो दे दिया था किसी ने, तभी मैंने क्या किया पता, कोई तो ऐसे दे रहा नहीं, दे दिया था बाबूजी हमको क्या पता। फिर वो आप ऐसे वो लंगड़ा बन के हैं, ऐसे गूंगा बन के क्यों चलते हो आप? ऐसा फिर नहीं है ना, ठीक है ना, बात कर सकते हैं ना, चल सकते हैं ना। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी? 18 साल होगी। मेहनत कर सकते हो, 100 रुपए कमा सकते हो? कमा तो सकते हो। तो फिर क्यों क्या मजबूरी इतनी? क्यों मजबूरी? ये तो पहली बार है बाबू। पहली बार नहीं है, ये चल रहा है ना, यूपी से यहाँ तक आ गए आप, तो पहली बार कैसे हुआ? आप लोग काम करके खाएंगे? काम करके राजी नहीं हो आप? मेहनत करके नहीं खा, मेहनत करके नहीं खाना चाहते? क्यों नहीं खाएंगे? मेहनत करके 5-10। तो ये क्यों किया, मतलब ये क्यों है फिर ये ड्रामे, ये क्यों है बाबू जी? गलती होगी, क्या करें बाबू जी, गलती होगी। गलती नहीं है ये पता, ये आदत है, मजबूर है, ये हमारी जहनीत वैसी बनी हुई है। ये है पैसा कमाने का आसान तरीका, ठीक है ना? और इससे नुकसान पता है आपका ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का नुकसान है, आपके जैसे बहुत सारे लड़के यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा एहसास करो, सब कम से कम इंसान हो, दुनिया पे आए हो तो कुछ तो करो, ठीक है? ठीक है, मत करना।